अच्छा जी, तो इन तमाम मामलात के बाद, एक मिनट, वैसे खिजर तुम कहाँ थे पिछले हफ्ते? खैर, स्टार्ट लेते हैं भाई। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से बात हो रही थी, बात कर रही है, सॉरी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स की टाइप का टॉपिक हमारे पास चल रहा था। इसमें हमने नंबर वन बात की थी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के तीन पार्ट्स हमने पढ़े, एस ब्लॉक, और फिर पी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 7, और फिर पी ब्लॉक का ग्रुप 8। ठीक है, ये तीन पार्ट्स थे पहली टाइप में, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की टाइप में। फिर दूसरी टाइप थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, जो कि हम कह रहे थे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फिर तीसरी टाइप है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये पीरियोडिक टेबल के बाहर नजर आते हैं, फिर भी इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल के अंदर नजर आते हैं डी ब्लॉक वाले, उनको आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। खैर, अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इस ग्रुप में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो 28 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये 28 एलिमेंट्स हमारे पास फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं, एक कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, और ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये लेंथेनाइड शुरू होते हैं सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, और ये सीरियम से शुरू शुरू होकर खत्म होते हैं लुथेनियम पर, जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। लेंथेनाइड के बाद आता है हमारे पास एक्टिनाइड, और एक्टिनाइड जो है हमारे पास, ये भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स में हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, और ये थोरियम से शुरू होते हैं TH 90, और थोरियम के बाद ये जा रहे होते हैं लॉरेंशियम, जिसको हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 103 पर। ठीक है, ये एक्टिनाइड्स होते हैं। अच्छा, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में ये जो, अच्छा एलिमेंट्स की वैसे मैंने कितनी टाइप्स कितनी तादाद बताई है एलिमेंट्स की आप लोगों को? एलिमेंट्स की एक तादाद सौ कितनी बताई? अठारह 118। वेरी गुड, सर, 118। ठीक है, 118 की तादाद मैंने आपको एलिमेंट्स की बताई है। अच्छा, एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ये नहीं बताया? नहीं सर, ये नहीं बताया शायद। भाई बताया था, दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल वो होता है जो अल्लाह ने बना कर रखा हुआ है कुदरती तौर पर, सिंथेटिक वो जो इंसानों ने बनाया है। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जी याद सर, आया? बताया था? जी सर, बताया ठीक था। है। अच्छा, आप जरा मुझे ये तादाद डिवाइड करके बताना कि इनमें से ये जो तादाद है, आप लोग जो मुझे तादाद बता रहे हो, इस तादाद को जरा डिवाइड करके बताना कि 118 में से कितने नेचुरल हैं और कितने रेडियो एक्टिव, सॉरी कितने आर्टिफिशियल हैं। क्या हुआ, डिवाइड नहीं कर सकते? सर कैसे करेंगे? मैंने बताया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं।
सर आपने कहा था ना यूरेनियम तक 92 तक नेचुरल है। वेरी गुड। और बाकी जो है वो आर्टिफिशियल है। सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 1 से लेकर 92 तक एलिमेंट जितने भी हैं वो नेचुरल हैं, और 92 से लेकर ऑनवर्ड्स 118 जो मैं सर बता रहा हूँ, विकिपीडिया पर 94 लिखा है। 92 या 94 आप कंसिडर हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों। हमारी बुक के हिसाब से मैं चलूंगा ना, नेचुरल और ये कहलाते हैं सिंथेटिक। जेन्युइनली एलिमेंट्स की तादाद 118 भी नहीं है, 124 है। अब 124 एलिमेंट्स हो गए, हमारी बुक अभी भी 118 कहती है, और नेचुरल एलिमेंट्स की तादाद 92 नहीं 94 ही है। जेन्युइनली हमारी बुक 92 कह रही है। हमारी बुक कह रही है कि आखिरी नेचुरल एलिमेंट जो होता है वो यूरेनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, जो कि गलत है। आखिरी नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम नहीं होता, बल्कि इसके आगे भी दो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम अभी फिलहाल मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा इन एलिमेंट्स में से लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में से, लेंथेनाइड तो सारे के सारे 14 के 14 नेचुरल होते हैं, यानी कि कुदरती तौर पर ये पाए जाते हैं, लेकिन एक्टिनाइड सारे के सारे नेचुरल नहीं होते। एक्टिनाइड्स आप देख रहे हो 90 से शुरू हो रहा है, तो 90, 91 और 92 ये तीन तो नेचुरल हैं, लेकिन 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं 103 तक, और 103 के बाद भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आर्टिफिशियली एलिमेंट कहलाते हैं, लेकिन वो एफ ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो डी ब्लॉक या पी ब्लॉक का हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए उनका मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ। लेकिन 92, 94 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना कि लेंथेनाइड्स जो हैं वो हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और एक्टिनाइड्स में से कुछ को हटाकर बाकी सारे के सारे जो है वो रेडियो एक्टिव सॉरी आर्टिफिशियल होते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे बनते हैं पता है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को बनाने का तरीका होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की मदद से जो एलिमेंट्स बनते हैं ना वो सारे के सारे आर्टिफिशियल है, यानी कि उनकी नेचुरली कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो बन गए रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के नतीजे में। तो जब कभी अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस पढ़ने का मौका मिलेगा तो तुम लोग को अंदाजा होगा कि कैसे एलिमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के नतीजे में। अच्छा, अगर इन एलिमेंट्स की अगर बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जैसे डी ब्लॉक के होते हैं ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी भी, यानी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहती, अलग अलग चार्ज होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने डी ब्लॉक में बड़ी तफसील में समझा दिया है, क्या दोबारा जरूरत है समझाने की, आगे चलूं? नहीं सर, आगे चलें। ठीक है, अच्छा इनके भी जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, याद रखना। ठीक है, और उसके अलावा ये एलिमेंट्स और इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबके सब पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। अच्छा, पैरामैग्नेटिक की वजह क्या होती है, मैंने पहले भी बताई हुई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स डायामैग्नेटिक होते हैं। एस और पी ब्लॉक के डायामैग्नेट क्यों होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो उसमें एब्सेंस होती है, इसमें प्रेजेंस होती है। अच्छा, एक चीज जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेंथेनाइड्स जो होते हैं, लेंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्टिनाइड्स होते हैं, तो एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी के हवाले से जो एक बात याद रखने की है वो ये कि देखो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 82 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। 82 तक नॉन रेडियो एक्टिव है, और 82 के बाद जितने भी होते हैं वो सबके सब रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, 82 से पहले जिनको मैं नॉन रेडियो एक्टिव कह रहा हूँ उसमें कोई ये ना समझ लेना कि हर सूरत वो नॉन रेडियो एक्टिव ही रहते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है H11, एक होता है H12 और एक होता है H13। आप इससे तो वाकिफ हैं, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है।
अच्छा, इन तीन आइसोटोप्स में से ये जो तीसरा वाला ट्रिटियम आइसोटोप होता है ये भी रेडियो एक्टिव होता है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स में ये मसला आता है। अच्छा एक बात के जिन एलिमेंट्स को मैं ये देखो, मैंने क्या कहा सबसे पहले ये कहा कि 82 एटॉमिक नंबर के आगे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और 82 से पीछे जितने भी होते हैं वो सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये जो बात मैंने की है ना ये नॉर्मल या नेचुरल या मतलब वो उन आइसोटोप्स के हवाले से बात की है जिस जो ज्यादा पाया जाता है, यानी कि प्रोटियम या हाइड्रोजन के ये दो आइसोटोप्स का वजूद ज्यादा है और इस तीसरे वाले आइसोटोप का तो मतलब लगभग ना के बराबर ही इसका वजूद है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट 82 से पहले जो जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं उनका वजूद बहुत कम होता है, यानी कि वो इतनी आसानी से मिलते नहीं है या ये कह लो कि वो पाए नहीं जाते, ठीक है। तो इस चीज को जरा सा ध्यान में रखिएगा, इस चीज को मिक्स ना कीजिएगा, इसलिए मैंने इस चीज को अभी क्लियर कर दिया है। अच्छा कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर। नहीं, ठीक है। अच्छा अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है तो क्या होगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पूरे ब्लॉक की, कोई बता सकता है? बेटा कोई है? जी सर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं इस ग्रुप की? नहीं सर, नहीं पता। चलो ठीक है, देखो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2, n-1 d1, इसको 1 क्या 10 ही ले लेते हैं, और n-2 f1, यहां से मामला शुरू होता है, खत्म कहां होता है, ns2 n-1 d, n-2 f14, F14 पर आके मामला खत्म। कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है पूरी सबको? बेटा कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है? नहीं हो रही मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस ग्रुप की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शुरू यहां से होती है कि ns2, n-1 d, n-2 d f1, ठीक है, से मामला शुरू होता है, खत्म कहां होता है, ns2, n-1 d, n-2 f14 पर। अब यहां पर तुम लोगों को आ रही होगी प्रॉब्लम, तो अब उस प्रॉब्लम को असेस करने के लिए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, एक मिनट वेट करें। अच्छा इनका एक मसला थोड़ा सा ये भी होता है कि ये अक्सर और बेशतर ना अपने जो नेचुरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई है ना ये उससे डेविएट भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो ज़रा इसको देख लेना। अच्छा अभी जो मैं ग्रुप एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं वो इन नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, देख रहे हो ये जो नीचे आपको दो लाइन्स नज़र आ रही है ना, मैं इन दो ग्रुप मतलब इन दो लाइन के एलिमेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, यानी कि लेंथेनियम से लेके लुटीशियम और एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, ठीक है। अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको शो करूं तो एक मिनट, शेयरिंग पॉज्ड हो गई, ठीक है एक मिनट रुके। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर शो कराऊं तो जरा आप यहां देख लें,
तो आपको आइडिया थोड़ा सा होगा कि कहाँ से मामला शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो सीरियम की, इस सीरियम के लास्ट में देखो 58 इसका एटॉमिक नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है, एस के साथ लिखा हुआ है 6, यानी इसका मतलब है कि आपने एन को क्या ले लिया, एन को क्या मान लिया, 6 मान लिया एन को, ठीक है। फिर उसके देखो एस के बाद क्या आ रहा है 5d, तो देखो आप जो बोर्ड पे मैंने लिखा क्या लिखा NS2, यानी कि जो भी आपने N लिया है उसमें से एक माइनस करके D आ जाएगा, N-1D है, देखो N-1D है, ठीक है सर। फिर अगला जो N-1D के बाद क्या है N-2F है, अब यहां देखो अगर तुमने S को फॉर एग्जाम्पल S के साथ जो नंबर है 6 उसको तुमने N लिया था तो उसमें से एक माइनस किया तो D वाला नंबर आ गया, दो माइनस किए तो F वाला नंबर आ गया, देखो वही लिखा हुआ है 6S, S के साथ 6, D के साथ 5 और F के साथ 4, ऐसे ही लिखा हुआ है जी सर। क्लियर हो गई मेरी बात, कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें सर? 6S के बाद 5D आता है? नहीं बेटा, 6S के बाद 4F आता है। तो मतलब इसमें कैसे? ये आगे पीछे लिख दिया है मैंने ताकि आपको मैं समझा सकूं, सीक्वेंशियल मैनर में लिख दिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर वो एग्जैक्ट रहे, वरना वो 6 के बाद 4 आता फिर 5 आता वो थोड़ा सा अजीब लगता आपको, इस वजह से मैंने उसको सीक्वेंशियल लिख दिया है बस। मतलब जेन्युइनली अगर ऑफ बॉ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो 6s के बाद 4f आएगा फिर 5d आएगा। बात समझ में आई बेटा? जी सर। पर सर आप एस ले रहे हैं और डी ले रहे हैं और एफ ले रहे हैं तो पी क्यों नहीं ले रहे फिर? इसमें तो अपनी मर्जी से चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बेटा इसमें अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। देखो जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हमारी कंसिडरेशन सिर्फ एस वाले होते हैं, यानी कि एस पे आके खत्म हो रहा है तो सिर्फ एस को शामिल कर लो, ठीक है। जब पी ब्लॉक की बात होती है तो पी ब्लॉक का बताने के लिए हम S और P दोनों को प्लस करके काउंटिंग बताते हैं, ऐसा ही है दानिया? जी सर। अब आ जाओ D ब्लॉक पर। D ब्लॉक का बताने के लिए चूंकि D के साथ हमेशा S जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, D के साथ हमेशा S एसोसिएटेड होता है, ठीक है, तो हम S और D को साथ मिलाकर बताते थे। और जब हम F बताते हैं तो F बताते वक्त हम P को शामिल नहीं करते बल्कि S, D और F बताते हैं। अब सवाल उठता है कि सर P को क्यों शामिल नहीं कर रहे, तो आ जाओ वापस पीरियोडिक टेबल को। देखो जब मैंने कहा S की बात करनी है तो हम सिर्फ S की बात करते थे, ना P ना D ना F। फिर जब हम P वाले एलिमेंट्स के ग्रुप बताने होते थे तो हम S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके ग्रुप बताते थे, ऐसा ही है? जी सर। फिर जब हम आए डी ब्लॉक पर तो डी ब्लॉक के ग्रुप बताने के लिए, सिर्फ ग्रुप बताने के लिए हम एस और डी की काउंटिंग को प्लस करके बताते थे, क्योंकि एस के साथ एसोसिएट करके आता है डी, यानी कि एस के साथ साथ चलता है डी, अलग अलग नहीं चलता, ठीक है। एस के साथ काउंटिंग प्लस करते थे ना, एस के 2 डी का 1 ग्रुप 3 भी बोलते थे, याद आ रहा है जो मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था? अब जी सर उसी हिसाब से जो F होता है ना, बेसिकली F पीरियोडिक टेबल से अलग नहीं होता बेटा, F हिस्सा पीरियोडिक टेबल का ही है, इसको हम यहां से अलग निकाल के रख देते हैं F ऑर्बिटल की वजह से, बेसिकली ये खुद भी ट्रांजिशन एलिमेंट का हिस्सा है, तो इसमें S और D तो वही रहेगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है, बस साथ में एक F ऐड हो जाएगा, इसलिए इसमें S D के साथ F है, P नहीं है, वजह समझ में आई? जी सर आ गए। अच्छा सही हो गया। अच्छा अब एक और मैं अगर तुम्हें एक चीज बताऊं जो एक यहाँ पर देखने वाली समझने वाली है, देखो ये जो 2+1 होता है एस का 2 और इलेक्ट्रॉन 1 प्लस कर लो डी का, तो वो ग्रुप कौन सा बनता था? 3 बनता था। जी सर 3 बनता था ना। अब यहां पर देखो ये जो सीरियम एलिमेंट होगा ये कौन से ग्रुप का हिस्सा होगा पीरियोडिक टेबल में? देखो अगर ये यहाँ पे लेंथेनियम है फॉर एग्जाम्पल, ये जो L57 आप देख रहे हो ये लेंथेनियम है फॉर एग्जांपल, तो अगला जो स्टेट होगा यानी कि इस जगह पर ग्रुप 4 की जगह पर कौन होगा? सीरियम होगा। अब आप बोलोगे सर इसका तो S2 और D1 आ रहा है,
तो 2+1 तो 3 होगा सर, इसको तो 3B होना चाहिए, इसको तो 3B होनी चाहिए बेटा। किसकी आवाज आ रही है? खदीजा माइक बंद करो। इसका तो 3B होना चाहिए सर, लेकिन इसका 3B नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम ग्रुप आइडेंटिफाई करने जाएंगे ना, तो हम F को भी प्लस करेंगे। देखो 2+1 और फिर +1, 2+1 3 और 3+1 4, ये ग्रुप 4B का हिस्सा होता है। देखो इधर, यानी कि सीरियम कहाँ आएगा? सीरियम इस जगह पर आएगा। अगर यहाँ पर लेंथेनियम है तो लेंथेनियम के बाद अगला कौन है? सीरियम है ना, तो सीरियम कहाँ आना चाहिए? इस जगह पर आना चाहिए, 4 वाले हिस्से पर। तो ये इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग इसलिए नहीं करते हैं। बात समझ में आई बेटा? जी सर आ रही है। हो सकता है अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन चीजों को समझना, लेकिन बस छोटी छोटी सी बात है, उसको याद कर लो कि एस ब्लॉक का ग्रुप बताना है तो सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और पी ब्लॉक का ग्रुप बताना है तो एस और पी दोनों देखेंगे, और डी ब्लॉक का ग्रुप बताना है तो एस और डी देखेंगे, और अगर एफ ब्लॉक का ग्रुप बताना है तो एस डी और एफ देखेंगे। ये सिर्फ बातें ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई है? और सर ये आपने लास्ट में कैसे करके लिखा है? N-1D लिखा है खाली। बेटा इसको D10 कर लो, वो गलती से मुझसे रह गया होगा। ठीक है? अच्छा जी सर। अच्छा और कोई सवाल अगर किसी का है तो पूछ लें। और कोई सवाल बेटा किसी का है? नो सर। ठीक है। अच्छा अब मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, आप लोगों के टेस्टिंग को बेहतर बनाने के लिए मुझे गूगल आईडीज की जरूरत होगी, क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम क्रिएट करूंगा। गूगल क्लासरूम पर आपके मैं तमाम असाइनमेंट्स भी अपलोड करूंगा, तमाम क्विज भी अपलोड करूंगा, और तमाम टेस्ट भी गूगल क्लासरूम के जरिए ही लूंगा। अब ये बोलो कि सर आप एक नई पंचायत ले आए, पहले फेसबुक पे और फिर व्हाट्सएप पर, अब आप नया लिया है गूगल क्लासरूम। भाई फेसबुक पे भी मैं कर सकता हूँ, ले लिएगा, लेकिन फेसबुक का मसला ये कि फेसबुक पे ना वॉल स्क्रॉल करो, फिर चीजें आगे ढूंढो, मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चीजें मिलती हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट की चीजें आ जाती हैं, तो अक्सर हम भूल जाते हैं, हम आगे पीछे हो जाते हैं कि यार सर ने जो चीज भेजी थी वो कहाँ है, तो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है फेसबुक पे, एक ही वॉल पर इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए गूगल क्लासरूम मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपना सेपरेट, सब कुछ फेसबुक पे भी डालूंगा, लेकिन साथ में गूगल क्लासरूम भी क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री का मटेरियल आपके सामने होगा, जिसमें तमाम लेक्चर की वीडियोस का लिंक भी होगा, तमाम असाइनमेंट्स भी होंगे, और जो भी मैं आपसे टेस्ट कंडक्ट करूंगा वो टेस्ट आप जो मुझे सबमिट करेंगे ना, वो भी गूगल क्लासरूम के जरिए करेंगे। अब ये सारा काम कैसे करना है, ये सारा काम मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि आप कैसे करोगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अभी फिलहाल आपके इंटीमेशन में डाल रहा हूँ कि एक चीज आपको बस ये करनी है, उसके लिए अगर किसी बच्चे की अपनी पर्सनल गूगल आईडी बनी हुई नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से सबकी बनी हुई होगी क्योंकि माशाल्लाह एंड्रॉइड फोन सब यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर अभी भी किसी की बनी हुई नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप गूगल आईडी अपनी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो अपने घर में से किसी बड़े की मदद ले लें और बना लें, फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बनाकर दे दूंगा। और गूगल आईडी वही होती है जो आप लोग अपने ऐप प्ले स्टोर वगैरह पर डालते हैं ना, वही आपकी गूगल आईडी भी होती है। ठीक है, तो वो गूगल आईडी बना लीजिएगा, नहीं है तो और अगर है तो वेरी गुड, तो वो मुझे गूगल आईडी चाहिए होगी, मैं गूगल आईडी पर आपको अपनी आपकी क्लास में एंटर करूंगा, आपको एक इनविटेशन भेजूंगा, वो इनविटेशन आपकी जीमेल पर आएगा, यानी कि जो आपकी जीमेल का इनबॉक्स है ना आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब के अलावा एक और आइकन होता है बेटा जीमेल का, क्योंकि आप तो सिर्फ इन्हीं को यूज करते हैं, लेकिन एक और होता है जीमेल का, उस जीमेल पे अगर आप जाएं तो उसमें एक इनबॉक्स का ऑप्शन आता है, उस इनबॉक्स में आपके पास एक इनविटेशन आएगा, उस इनविटेशन पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों के एक अलग से सेशन कंडक्ट करूंगा, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा भी कि किस तरीके से उसको करना होगा। ओके, वन मोर थिंग इज दैट के गूगल क्लासरूम का सेशन मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा कंडक्ट करने की, क्योंकि आपका चैप्टर वन अपने इख्तितामी मराहिल के करीब है, तो चैप्टर वन खत्म हो उससे पहले पहले आपका ये चीज हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 2 हफ्ते में या 2.5 हफ्ते में सर, टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा। हाँ बोलो सर, पीछे का काम अरेंज करवा दें किसी से। वाह, काम अरेंज करवा दें किसी से, तो तुम कहाँ थे पीछे? जी सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह।